आज आप खुद सिस्टम में होकर सिस्टम को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं। सिस्टम ना होने की वजह से पॉलिटिक्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रही और जो हालात हैं वो बेहतर होने की बजाय बदतर हो रहे हैं। आखिर के जो 2-3 महीने में हमने बहुत गलतियां की, कुछ टिकट्स गलत लोगों की को दी। आपके एनालिसिस क्या कहती है, कैप्टन सरकार कहां कहां पे फेल हुई है पिछले अरसे में? कांग्रेस सरकार में भी शायद हमें देखकर बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन उनके पास रोड मैप नहीं था कोई। अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार की आलोचना जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं कर रही है, बयानबाजी हो रही है। बड़े एरियाज आते हैं, नया गांव, करड़, कुराली जैसे एरियाज आते हैं, और मैं समझता हूँ ट्राई सिटी की सबसे बड़ी कॉलोनी है सनी एनक्लेव कॉलोनी, जो कि आप एक अधिकार क्षेत्र में है, आप वहाँ के विधायक हैं, पर जिस तरह से लोग त्रस्त हैं आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं ये आप इसे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं या यहाँ पे भी कांग्रेस का ही? जैसे नया गांव बसा, जैसे इलीगल कॉलोनीज वहाँ बसी, उसका एक कारण है सरकार की या सरकारों की लगातार ओवर द इयर्स कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ही नहीं थी। काफ़ी हद तक यही हालत खरड़ की भी है, वहाँ भी बहुत सारी इलीगल कॉलोनी थी जिनको लीगलाइज करना पड़ा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी विधायक होता है, विधायक के पास कोई पावर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं संवाद के लिए, हालांकि वो विधायक है पंजाब की एक बड़ी विधानसभा सीट से, लेकिन उनका तारुफ भारत की मीडिया इंडस्ट्री में बड़े नामों में और चर्चित नामों में किया जाता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका एक लंबा सफ़र बड़े और रिस्पेक्टेड कहा जाएगा ऐसे मीडिया घरानों के साथ में, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, उसके बाद उनका अपना खुद का चैनल जो उन्होंने लॉन्च किया डे एंड नाइट चैनल हो, ऐसे जगहों पे उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की और अपने लेखन के द्वारा पंजाब और नॉर्थ इंडिया के लोगों को जिस तरह से, रादर मैं कहूँगा कि नेशनल लेवल पे जिस तरह से उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा लोगों की समस्याओं को और राजनीतिक स्तर पर जिस तरह से लोगों को अवेयर किया, ये अपने आप में काबिले गौर बात है। आज खरड़ विधानसभा सीट से कंवर संधू साहब, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है संधू साहब आपका। धन्यवाद दिनेश, आपने मुझे संवाद के लिए बुलाया, थैंक यू वेरी मच। संधू साहब, मीडिया इंडस्ट्री से आपका तारुफ रहा है, आपको हम अगर अपने सीनियर के रूप में देखें तो अतिशयोक्ति नहीं है इस बात को लेकर, तो कैसे ये आप इतने बड़े मीडिया घरानों से आपका एक्सपीरियंस, फिर आपका अपना चैनल और ऑल ऑफ ए सडन आपका मूव पोलिटिकल टर्फ पर होता है, सो हाउ डिड ऑल हैपन? देखिए, मेरे को आम आदमी पार्टी मेरे साथ काफ़ी देर से टच में थी, शायद जो मैं जैसे मैं लिखता था उसकी वजह से वो टच में थे, और अरविंद केजरीवाल साहब ने मेरे को अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि आप पंजाब में हमारी पार्टी को ज्वाइन करिए, और वो चाहते थे कि मैं पार्टी का जो मैनिफेस्टो है पंजाब में वो बनाऊं, उनको लगता था कि मेरा लंबा एक्सपीरियंस है, सो इसलिए उन्होंने मेरे को ये ऑफ़र दी। मैं जर्नलिज्म ऑलमोस्ट 40-42 साल करता रहा था, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी चेंज है, और जो हम चीज़ें लिखते रहे हैं वो शायद प्रैक्टिकल रूप में हम कर पाएंगे, सो ये सोच के मैं जर्नलिज्म से सियासत में आया। तो बड़ा मिक्स सा एक्सपीरियंस है फ्रॉम जर्नलिज्म टू पॉलिटिक्स। सो पहले जैसा कि आपने कहा कि पहले आप लिखते थे राजनीति को और फिर अब आप जी रहे हैं राजनीति जी, तो क्या अंतर नज़र आ रहा है इसमें? बहुत अंतर है अनफॉर्चुनेटली, और ये लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे पॉलिटिक्स में कोई सिस्टम नहीं बन पाया, और इसी वजह से, और ये मेरे को पता तभी लगा जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बन पाया, इसी वजह से लोग जो हैं वो भी निराश हैं, जो MLAs हैं या सरकारें हैं वो बहुत कुछ कर नहीं पा रही हैं। आपने देखा होगा जिस इलाके में भी आप रह रहे हैं कि वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं सरकार के साथ। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑलमोस्ट 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम प्रॉपर सिस्टम नहीं बना पाए, और सिस्टम ना होने की वजह से पॉलिटिक्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, और जो हालात हैं वो बेहतर होने की बजाय बदतर हो रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी का उद्गम एक बड़े आंदोलन के बाद में हुआ जी, और कहा यह जाता है कि आम आदमी पार्टी अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी पार्टी है जहाँ पे सभी सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और समाज में अपने अपने स्तर पर चेंजेस लेके आ रहे हैं। आप भी एक ऐसे ही सैनिक के रूप में आम आदमी पार्टी से जुड़े, लेकिन आज आप खुद सिस्टम में होकर सिस्टम को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस कहाँ से?
देखिए ऐसे है कि जैसे हमारी पार्टी की वेव बनी थी, हवा बनी थी, हमें लगता था कि हम सरकार बना पाएंगे और वाकई एक चेंज ला पाएंगे, काफ़ी हद तक चेंज ला पाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट में आपने दिल्ली में देखा होगा कि चलो हो सकता है कि कुछ लोग दिल्ली सरकार की आलोचना करते हैं, बहुत कुछ बेटर हो सकता था, लेकिन एक तो फील्ड्स में वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर्टिकुलरली शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरा सेहत सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में। तो ऐसे ही हमारा ख्याल था कि हम पंजाब में बहुत कुछ एक विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस, बट क्योंकि हमारी सरकार नहीं बन पाई, और अगेन मैं फिर वही कहूँगा क्योंकि सिस्टम नहीं बने, तो उसमें उस जो सिस्टम अभी तक चल रहा है उसमें जो विपक्ष है उसका कोई रोल है ही नहीं, और हम मसले भी उठा नहीं सकते विधानसभा में भी, क्योंकि विधानसभा के जो सेशन हैं, सत्र हैं, वो ही नहीं हो रहे हैं। रूल के मुताबिक विधानसभा, पंजाब विधानसभा को कम से कम 40 सिटिंग्स हर साल करनी चाहिए, तो 2017 में मेरे ख्याल 14 या 15 सिटिंग थी, 2018 में थोड़ी सी बेहतर थी इससे। सो जितनी सिटिंग्स होनी चाहिए उससे आधी सिटिंग्स भी नहीं हो रही है, और मेरा अपना मानना है कि कम से कम साल में 100 सिटिंग होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम लोगों के इश्यूज रेज कर सकें, हम लॉज बना सकें जो सही लॉज और लोगों की एस्पिरेशंस के ऊपर खड़े उतर पाएं। दिल्ली के बाद पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य था जब आम आदमी पार्टी ने कहीं देखा कि उसको ज़मीनी एक स्तर पर कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है आफ्टर दिल्ली जी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जिस तरह के टर्मोइल, जैसे जोल्ट लगते चले गए एक के बाद एक, बड़े बड़े नाम जुड़े और फिर एक के बाद एक वो वापस वो किले ढहते चले गए, तो ऐसा क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी लोकली किस तरह से नाकामयाब रही? दिनेश, हमारी पार्टी जो हमारी जो हालत हुई है, मैं नहीं कहता कि हमें कोई 100 सीटें जीत रहे थे हम, पर हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी ले सकते थे, मुझे लगता है कि हम 60-65 सीट के करीब करीब हमें मिल सकती थी, लेकिन आखिर के जो 2-3 महीने में हमने बहुत गलतियाँ की, कुछ टिकट्स गलत लोगों की को दी, प्रॉपरली हम कैंपेन नहीं कर पाए, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, और हमारे ऊपर एलिगेशंस भी लगी, सो हमारी जो कैंपेनिंग थी वो सही नहीं थी, हम एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं दे सके, लोगों को लगता था कि उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, दूसरी तरफ सुखबीर बादल हैं, तो इनका कौन है? सो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई, और अनफॉर्चुनेटली दिनेश हुआ क्या कि हारने के बाद या जब हमारी सिर्फ 20 सीटें आई तो उसके बाद भी हमने मंथन नहीं किया, विचार नहीं किया कि हुआ क्या, हमारे जैसे लोग मांग करते रहे कि इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करें, इसके ऊपर चिंतन करें, इसके ऊपर डिबेट करें, और ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें। पहले तो पार्टी कहती रही जी मशीनों की वजह से गड़बड़ी हो गई और इसलिए हम हार गए, मैंने कहा ये गलत है, ऐसी बात नहीं है, तो जो वाकई रीजंस हैं उनके ऊपर मंथन करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, और धीरे धीरे फिर पार्टी जो है वो उसके कई हिस्से हो गए। संधु साहब, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि पंजाब में पिछले काफ़ी अरसे से केवल 2 या 3 चेहरे हैं या हद से 4 चेहरे हैं जो कि आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे हैं पंजाब में जी, और उस 4-5 चेहरों में आपका चेहरा कहीं ना कहीं नहीं दिखता है हमें, आप मीडिया बैकग्राउंड से हैं, आपके पास शब्दों का भंडार है, तो कहीं ना कहीं आप मुखातिब होते नजर नहीं आते, ना अपने हलके को आपने रिप्रेजेंट किया, ना आप आम आदमी पार्टी के साथ किसी प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं, तो इसके कुछ कारण? दिनेश, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप हलके में तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं 2 दिन मेरा ऑफिस है खरड़ में, मैं वहाँ जाके अपना दफ्तर लगाता हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ, कल भी गाँव में गया, परसों भी 3 गाँव में गया हूँ, वो मैं कोशिश अपनी जारी रख रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आता क्योंकि मैं ये बयानबाजी की जो राजनीति है इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, किसी चीज़ को सरकार की हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना मेरे मुताबिक ये सही नहीं है, बिना विचार किए आप हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहो तो आप शायद आप भूल रहे हैं कि किसी दिन जब आप सरकार में होंगे तो आपके साथ भी यही हाल होगा। आपके एनालिसिस क्या कहती है, कैप्टन सरकार कहाँ कहाँ पर फेल हुई है पिछले अरसे में? दिनेश, कैप्टन सरकार की एक बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपनी आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया था, हमने भी बहुत वादे किए थे, लेकिन हमने जब वादे किए तो हमने साथ साथ अपना रोड मैप प्रिपेयर किया, तैयार किया कि हम ये वादे कैसे पूरे करेंगे। हमें सभी को मालूम है कि पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा है, तो हम अगर किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, हम अगर गरीबों के लिए ये चीज़ें लेके आएंगे, अगर हमने शिक्षा का जो
उसको इम्प्रूव करना है, सेहत सेवाएँ इम्प्रूव करनी है, तो हम कैसे करेंगे? और हमने इसके ऊपर मेहनत की, हमने रोड मैप तैयार किया, हमने सोचा कि हर साल हमें कम से कम 15 से 20 हज़ार करोड़ एडिशनल रेवेन्यू क्रिएट करना होगा, हम ऐसे करेंगे। कांग्रेस सरकार में भी शायद हमें देखकर बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन उनके पास रोड मैप नहीं था कोई, और जब सरकार उनकी बन गई तो फंस गए, अपने ही वादों में फंस गए वो। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा था कि किसानों के कर्ज़े माफ़, तो कहाँ से आएगा पैसा? तो अब उसको फिर ट्वीक करना पड़ा, उन्होंने कहा सिर्फ छोटे किसानों के कर्ज़े माफ़ करेंगे हम। उन्होंने कहा था कि हम ये चीज़ें लोगों को देंगे, मोबाइल, ये स्मार्टफोन देंगे, ये वो देंगे, वो देंगे, पेंशन बढ़ा देंगे, पैसे नहीं हैं यहाँ पे, तो तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं? सो और वो चीज़ें जो हम कर सकते थे वो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हम हमारे यहाँ पे कोई लिकर माफिया या रेत माफिया या माइनिंग माफिया या ट्रांसपोर्ट माफिया आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनके पास ये प्रॉब्लम है उनको, इसीलिए वो प्रॉपर एक्साइज पॉलिसी, लिकर पॉलिसी नहीं बना सके, माइनिंग पॉलिसी नहीं बना सके। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की तरह, या सोशल मीडिया पे जैसे देश के प्रधानमंत्री एक्टिव रहते हैं, उसी तरह से अब कैप्टन अमरिंदर सिंह हर हफ्ते 10 दिन में लाइव होते हैं किसी ना किसी टॉपिक पर, या लोगों से मुद्दे मंगवाते हैं, इन्वाइट करते हैं टॉपिक, और उसके बाद वो बोलते हैं उस पर जी। लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उलट नजर आती है सरकार की कार्यगुजारियों की, तो किस तरह से आम आदमी पार्टी उसको किससे एड्रेस कर रही है? देखो, अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार की आलोचना जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं कर रही है। बयानबाजी हो रही है, सरकार कुछ अनाउंस करती है, उसके ऊपर 2-3 बयान रोज आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर ना तो उसके ऊपर कोई मंथन हो रहा है, ना डिबेट हो रही है, ना उसके ऊपर कोई हमारी कोई एक अल्टरनेट पॉलिसी हम लोगों को दे पा रहे हैं कि हम ये करेंगे। सो जो कांग्रेस सरकार है वो काफ़ी हद तक फेल हुई है, क्योंकि उन्होंने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, और उन्होंने कहा था कि हम पंजाब की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर देंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति अगर पहले 2 लाख करोड़ का कर्ज़ था, अब शायद 2.5 लाख या 2.75 लाख करोड़ का कर्ज़ा हो गया है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो मुद्दे है बार बार सरकार के अगेंस्ट उठाती है और कोई ना कोई बयान जारी करती है, बात करें अगर आपके हलके की, तो कहीं ना कहीं विकास तो शायद वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि बहुत दूरी सी बना के बैठा है। जी बिल्कुल, विकास के मायने शायद दूर दूर तक नहीं है वहाँ पे उस एरिया में। बिल्कुल ठीक। और बड़े एरियाज आते हैं, नया गाँव, करड़, कुराली जैसे एरियाज आते हैं, और मैं समझता हूँ ट्राई सिटी की सबसे बड़ी कॉलोनी है सनी एनक्लेव कॉलोनी, जो कि आप एक अधिकार क्षेत्र में है, आप वहाँ के विधायक है, पर जिस तरह से लोग त्रस्त हैं आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं ये आप इसे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं या यहाँ पे भी कांग्रेस का ही कुछ गलत नहीं, है? जिम्मेदारी जो है, जो लगातार जो सरकारें बनती रही हैं, लगातार जो विधायक बनते रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कोई सी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये सभी की जिम्मेदारी है। जैसे नयागांव बसा, जैसे इलीगल कॉलोनीज वहाँ बसी, उसका एक कारण है सरकार की या सरकारों की लगातार ओवर द ईयर्स कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ही नहीं थी। सो गरीब लोग हैं वहाँ जाके बस गए, इलीगल कॉलोनी में बस गए। अब कई जगह पे जैसे नयागांव में कोई उसका हल ही नहीं है, अगर आप वहाँ पे सीवरेज डालनी चाहो तो जगह ही नहीं है। आपको मालूम नहीं है शायद कि नयागांव में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी है वहाँ पे, उनके पास एक कनाल भी जगह नहीं है कि अगर वो कुछ करना चाहें तो कर सकें। अपने दफ्तर के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे STP लगना है उसके लिए जगह नहीं है, ग्रिड लगना है उसके लिए जगह नहीं है, सब इन जगह के ऊपर कब्जे हुए हुए हैं। काफ़ी हद तक यही हालत खरड़ की भी है, वहाँ भी बहुत सारी इलीगल कॉलोनी थी जिनको लीगलाइज करना पड़ा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी विधायक होता है, विधायक के पास कोई पावर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बना कि वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके। हम अपने पॉइंट रेज करते हैं, फोन करते हैं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, पर बियॉन्ड दैट वी हैव नो पावर। सर, लेकिन आपने अपने पत्रकारिता के टाइम पे भी आपने बहुत सा लिखा होगा कि ये विधायक ने कहा था और ये वादे पूरे नहीं हुए। हमने काफी लेख छापे हैं, HT में भी हम पढ़ते होते थे, जब कंपैरिजन दिया जाता था कि उस एरिया का विधायक पहले क्या बोला था और अब क्या बोला और क्या हालात है, ऐसे कई बार एडिटोरियल हमने देखे हैं और अब भी इन दिनों में भी छपते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप भी उस कैटेगरी में हैं, आप भी विधायक हैं उस हल्के से, और तब के वादे खरड़ को लेकर जो आपने किए थे और आज जो धरातल पर स्थिति है, कहीं ना कहीं आप खुद इस बात से देख रहे हैं कि बहुत विरोधाभास है आपके उन प्रॉमिसेज में। बिल्कुल बिल्कुल है जी, क्योंकि जो प्रॉमिसेज हमने वहाँ पे किए थे, मेरा खरड़ के लिए एक सेपरेट मैनिफेस्टो था, वो उस समय तो यही था ना कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हम ऐसे करेंगे, लेकिन अब सरकार हमारी बनी नहीं है तो हमारी बात वहाँ सुनी नहीं जाती। अगर मेरी बात सुनने की बजाय वहाँ पर जो कांग्रेस के अपने इंचार्ज हैं उस एरिए के, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। और मैंने इसका क्या होना चाहिए, ये सब लिख के रिपीटेडली मैंने मुख्यमंत्री को, उनके स्टाफ को, चीफ सेक्रेटरी को कई बार लिख के दिया है कि ये सिस्टम होना चाहिए,
जिसमें हम कुछ कर पाएं। अकाउंटेबिलिटी हमारी है लेकिन हमारे पास पावर नहीं है कुछ करने की, और यही हालत बाकी हलकों की भी है। जैसे कांग्रेस, जैसे अकाली दल, पहले अकाली दल के टाइम में जो उनके हारे हुए लीडर थे उनको हल्का इंचार्ज लगा दिया गया था, और उस समय हमारी पार्टी तो थी नहीं, उस समय जो कांग्रेस के एमएलए थे उनके पास कोई पावर नहीं थी कुछ करने की। अभी भी यही हालत है, अब अकाली दल की जगह अब कांग्रेस ने अपने हल्का इंचार्ज लगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात कह के आपने अपने आप को सेफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी इसलिए मेरा एमएलए होना ना होना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि कांग्रेस की सरकार दबा है? ऐसा नहीं, हम कोशिश, याद हो ना, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। मैंने, और इसका मैंने सजेशन भी दिया है कि हर हल्के में हल्का डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाए, हल्का डेवलपमेंट कमेटी का जो प्रधान है वो एमएलए को बनाया जाए, सारी फंड्स जो हैं इस कमेटी के थ्रू खर्च किए जाएं, ऑफिसर्स उस हल्के के जो है एमएलए को रिपोर्ट करें, ताकि एमएलए जो है उसकी अगर अकाउंटेबिलिटी है तो वो कुछ कर भी पाए। सर, कहीं ना कहीं आपका जो हल्का है वो गेटवे ऑफ पंजाब, गेटवे ऑफ चंडीगढ़, गेटवे ऑफ मोहाली कहा जाता है। मोहाली अपने आप में बड़ा शहर माना जाता है पंजाब का, जहाँ पे कुछ भी हो उसको रेप्लिकेट किया जाता है, उसका रिफ्लेक्शन पंजाब के बाकी जिलों में, बाकी शहरों में पड़ता है। ऐसे में बड़े बड़े लोग उन सड़कों से गुजरते हैं, बड़े बड़े मंत्री, सरकार के मंत्री, विपक्ष के लोग, आप भी, या SDM से लेके बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, जजेस तक, मैं समझता हूँ, क्या उनकी गाड़ियों में वो खड्डे नहीं आते हैं जहाँ जो एक आम आदमी की गाड़ी गुजर रही होती है, और जो हालात हैं आज के डेट में उन कॉलोनीज के, जो सीवर की जाम व्यवस्था है, आवारा पशु वहाँ पे बैठे हुए हैं? कई कई कारण हैं जो जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पहले तो फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। फंड्स अवेलेबल नहीं हैं, और जो खरड़ जैसा हल्का है बाकी हल्कों के मुताबिक के मुकाबले शायद इसके इस हल्के के लिए 3 गुना ज्यादा फंड्स होने चाहिए। चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं यहाँ। माफ चाहूंगा मैं आपकी बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव हम समझे कि आपने कहा राजनीतिकरण हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनी और कांग्रेस ने वहाँ पे बदली राजनीति की, वेंडेटा की हम बात करें। एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो कुछ रहते होंगे वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो वहाँ के SDM है, DC के अंडर में वो हल्का आता है, वो एरिया आता है, उनका, उनके पास भी डेवलपमेंट के कुछ टारगेट्स होते होंगे, या उन्हें भी तो कुछ हिदायतें दी जाती हैं? डेफिनेटली हैं उनके पास टारगेट, बट और वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन काम हो ही नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ खरड़ हल्के की बात नहीं है, आप पंजाब में कहीं भी चले जाइए यही हालत है। मैं तो खरड़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि खरड़ में चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, और खरड़ की प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे कुछ हिल विलेजेस हैं जहाँ पे आज भी जिस दिन बारिश हो जाती है तो कट ऑफ हो जाते हैं। पंजाब के सत्तारूढ़ पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े MLAs और मंत्री ये बात कहते नजर आते हैं कि पंजाब से इंडस्ट्री को भगा दिया पुरानी सरकारों ने और खराब हो गया पंजाब, इंडस्ट्रीज खत्म है। कुराली को अगर मैं हिमाचल प्रदेश का बद्दी कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि वो मोहाली का एक तरह से बद्दी एरिया है, इंडस्ट्रियल हमारे पास टाउन है जो कि शहर का बड़ा एरिया में गिना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी हालात बदतर हैं सर, जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, सरकार के पास में इंडस्ट्रीज चल रही हैं वहाँ पे, उनका डेवलपमेंट की बात आती है। कुराली भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह की विडंबना से गुजर रहा है, जहाँ पे आज सड़कें तो दूर दूर तक नहीं है उस टाउन में। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जो कुछ टाउनशिप्स थी, जैसे हमारे एरिया में कुराली है, पटियाला के पास राजपुरा है, जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल टाउन्स जी डिक्लेयर किए थे फोकल पॉइंट्स, यहाँ पे इंडस्ट्री बननी थी, लेकिन वो स्कीम कहीं बीच में ही रह गई, और इन सभी जगह पे प्रॉपर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर बिजली का सिस्टम नहीं है, सीवरेज नहीं है, और पंजाब में इंडस्ट्री कहीं भी आप देख रहे हैं नाम मात्र है, नई इंडस्ट्री तो क्या, पुरानी इंडस्ट्री भी चल नहीं रही है, और इसमें कुराली भी ऐसे ही है। सर, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं आप? इलेक्शन तो सामने हैं बस तकरीबन 1-1.5 साल। आम आदमी पार्टी, मेरा अपना मानना है कि जैसे 2017 में हमने एक वेव क्रिएट की थी, सभी ने कोशिश की, तो हमारी जो 2017 की गलतियां हैं उससे एक लेसन लेके, सबक लेके, हमने एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बहुत सारे पुराने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे नए लोगों को अब पार्टी में लाना होगा, और जैसे पार्टी चल रही है मैं नहीं मानता कि पार्टी का इस समय बहुत ज़्यादा स्कोप है, अनलेस पार्टी अपने आप को, अनलेस इट चेंजेस इट सेल्फ ड्रास्टिकली, I don't think the आम आदमी पार्टी will stand a chance and they will disappoint the people as of now. आम आदमी पार्टी के एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत मान जो पंजाब से हैं, वो केवल और केवल इल्ज़ाम लगाते हैं पंजाब सरकार पर, पंजाब को बर्बाद करने का, कैप्टन सरकार पर या अकाली दल पर आए दिन। आप लेकिन उसके मुखर ये बात कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें सही भी हैं और हर बार सरकार को कोसना ठीक नहीं है, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे देखें कि पार्टी लाइन से अलग
क्योंकि केंद्र से या उनको हाई कमांड से ऐसे ऑर्डर्स हैं कि इसी तरह से चलना है, या आपके पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं दिल्ली से कि इसको इस तरह से देखना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये तो उनका निजी जो उनका है व्यू है, पॉइंट है, वो ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ राजनीति चली ऐसे रही है जैसे भगवंत मान या बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जो भी सरकार ने किया उसकी आलोचना ही करनी है जी। मेरा अपना मानना है कि आलोचना ज़रूर करनी चाहिए, अगर कोई सही चीज़ नहीं है तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए। जैसे पीछे फार्म ऑर्डिनेंसेज आए हैं जी। तो सभी पार्टीज़ ने, अपोजिशन पार्टीज़ ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन किसी पार्टी ने इसके ऊपर प्रॉपर मंथन किया है, इसके ऊपर विचार किया है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या इकोनॉमिस्ट से डिस्कस करके इसके ऊपर कुछ स्ट्रेटजी बनाई है? हाँ, जैसे लेके आई है सरकार वो भी गलत था, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी? पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करिए, वहाँ पर डिबेट करिए। सो मेरा कहना है कि मतलब है कि वर्किंग जैसे डिफरेंस क्यों है सर, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा के रूप में, बावजूद वो केंद्र की सरकार के साथ आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, अमित शाह के साथ बैठक करते हैं, कोरोना को लेके हो या किसी और मामले को लेके, लेकिन उसके उलट यहाँ जो पार्टी के जो अधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल विपक्ष के खिलाफ लेके खड़ा रहते हैं मोर्चा हमेशा सड़कों पर, तो ये इतना विरोधाभास क्यों है? मेरा ख्याल है कि दिल्ली में वी हैव लर्नड आवर लेसंस। जैसे अब दिल्ली सरकार चल रही है, पहले ऐसे नहीं चलती थी, आपने देखा होगा वहाँ भी एक कॉन्फ्रंटेशन थी, लगातार कॉन्फ्रंटेशन थी, तो फिर हमने देखा कि लगातार कॉन्फ्रंटेशन और नीडलेस कॉन्फ्रंटेशन से कुछ हल नहीं होता है। देखो, सरकार की आलोचना करना विरोधी पक्ष का अधिकार है, करना भी चाहिए उनको, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर विचार मंथन, उसके ऊपर डिबेट तो प्रॉपर करें ना, एक स्ट्रेटजी बनाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है, जैसे मैं देख रहा हूँ आप अपनी अपनी पार्टी को, मैं तो पार्टी से करीब करीब बाहर ही हूँ क्योंकि मेरे को उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। दिस इज़ नॉट द वे आई पर्सनली फील द पार्टी शुड बी रनिंग। आई एम सॉरी, मे बी मेरे पार्टी के बहुत सारे जो मेरे साथी हैं शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन आई पर्सनली फील दैट हम पॉलिटिक्स, एक नई तरीके की पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स को बदलने के लिए आए थे, लेकिन हम भी वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसको हम बदलना चाह रहे थे। आने वाले समय में इलेक्शनों में फिर से आप एक बार आजमाना चाहेंगे अपने आप को? देखें कैसे हालात बनते हैं अगले एक साल में, अभी तो बहुत प्रीमेच्योर है ये बात, अभी तो ऑलमोस्ट एक साल और करीब 8-9 महीने हैं। ये हम सभी जान रहे हैं कि आपने बिना अपने आप को पब्लिश किए, बिना अपने आप को हाईलाइट किए, कोरोना काल में काफ़ी हद तक लोगों की मदद की, ना सिर्फ एमएलए होने के नाते, एक इंसानियत के नाते भी, ये हम सब जान रहे हैं इस बात को। आने वाले समय में कैसे आपने जिस तरह से लोगों को एक्सपीरियंस किया है या इस कोरोना को जैसे धरातल पर आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और जैसा कि हमें पता है कि आपके वाइफ भी इसमें आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहे जी, सो अब आने वाला समय कैसा है और आप लोगों को क्या इस पे? देखिए, अगर कोरोना वायरस महामारी की बात करें, सबसे पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, मैं उससे सहमत नहीं था। जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया या कर्फ्यू लगाया गया, हमें कम से कम 10 दिन की मोहलत देनी चाहिए थी ताकि लोग अपने अपने घर जा सकें जिन्होंने जाना था। उसके बाद जैसे राशन बांटा गया, खाना बांटा गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। इससे बेटर ये था, जैसे कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में किया गया, कि हर परिवार को 2,000 या 3,000 रुपये दिए जाते, उससे इकॉनमी भी चलती, दुकानें भी चलती, वो जाके दुकानों से चीज़ें खरीदते, राशन खरीदते। सो मेरा ख्याल जो स्ट्रेटजी अभी तक रही है, हम अब वी आर ओपनिंग अप द इकॉनमी व्हेन इट इज़ टाइम टू लॉक डाउन द इकॉनमी। उन दिनों में तो 1,000 केस भी रोज़ का नहीं आता था, अब 50,000 रोज़ के केस आ रहे हैं, और हम अब सिस्टम खोल रहे हैं और उस टाइम हम बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारें कह रही हैं कि यू हैव टू लिव विद इट। नहीं, यू हैव टू लिव विद इट, और उसमें जिम्मेवारी हर इंसान की, हर परिवार की भी है इसमें, कि हम जो सरकार की हदायतें हैं उनकी पालना करें और अपनी सुरक्षा करें, और अपनी सुरक्षा में ही लोगों की सुरक्षा है। अर्थ प्रकाश टीवी के माध्यम से आप लोगों को कोई सलाह देना चाहेंगे कोरोना के काल पे? मैं तो यही कहूंगा जी, कि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ज़रूर, उनकी पालना करनी चाहिए, और लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपने जो वेब जो उनकी जो माध्यम है, जो फीडबैक का माध्यम है, उसको ओपन रखें, ताकि बहुत सारे अच्छे विचार लोगों से भी आ सकते हैं, और अपने, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और सरकार को भी अपने आप को इवॉल्व करना होगा इसमें, और लोगों को काफ़ी हद तक सरकार की हदायतों की पालना करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विपक्ष की भूमिका में है आम आदमी पार्टी और उसके विधायक, आज हमारे साथ कंवर संधू साहब जो कि खरड़ विधानसभा क्षेत्र से थे, उन्होंने हमारे साथ साझा की अपनी बात, और जो निकल के आई बात एज ए मीडिया वेटरन के नाते कहें, या आज जो उनका पॉलिटिकल जो दायरा है उनका अपने जीवन में, उसको लेकर यही निकल के आई है कि सरकारें किसी की भी हों, एंड ऑफ इट
लोगों के मुद्दे पर जो व्यक्ति काम करेगा एंड ऑफ इट सक्सेसफुल वही है। हमें इस बात को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर हम MLA हैं या नहीं हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो हमने कमिटमेंट किया है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे हम वो सीट पे आज विराजमान हैं चाहे हम उस सीट पे नहीं हैं, उन लोगों के मुद्दों का हल सरकारें ज़रूर करें। MLA होने के बावजूद आज उनकी बात अगर राज्य सरकार नहीं सुन रही है या सत्तारूढ़ पार्टी नहीं सुन रही है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर फिर से मंथन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसा मानना था संधू साहब का, जो कि अपने आप में मीडिया वेटरन रह चुके हैं और आज विधायक हैं खरड़ विधानसभा से। फिर मुलाकात करेंगे किसी ना किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।